चर्चा करिए सेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेस लिमिटेड ना को फाउंडर एमडी और सीईओ अपनी साथ जोड़ाई गया है अविनाश गोडकिंडी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले पूछना चाहेंगे जो यहाँ से जो न्यूज़ बेस्ड जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, कंपनी ने टोरेंट गैस के साथ ऑलमोस्ट 200 करोड़ का जो यहाँ से एमओयू किया है, आगे ग्रोथ गोइंग अहेड आप कैसे देख रहे हैं इसके बाद? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमको मौका देने का। तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, ये फ्लीट का स्पेस जो है वो बहुत बड़ा होता है। और अगर आप देखेंगे इंडिया में तो तकरीबन 73,000 करोड़ का पोटेंशियल है फ्लीट के स्पेस में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। और टोरेंट गैस एक बहुत अच्छा नाम है जिसके साथ हमने ये टाई अप करा है, और ये पूरा प्रोग्राम एंड टू एंड हम चलाएंगे। तो इसकी कार्ड की इश्यूएंस एक्सेप्टेंस सारी हमारी प्लेटफॉर्म पे होती है। तो एक नए नए क्षेत्र में हमने शुरुआत करी है और आशा करते हैं कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब साइन होंगे आने वाले क्वार्टर्स में। पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है फ्लीट कार्ड्स का अपॉर्चुनिटी में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, एक तो सर जानना चाहेंगे इसके साथ ऑर्डर बुक कुल यहाँ से कंपनी के ऑर्डर बुक एट कौन से लेवल पे है, कहाँ पे आप देख रहे हैं, और स्पेशली ऑर्डर विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड फॉर 24 आप कैसे देख रहे हैं, कुछ फर्दर प्लान कंपनी के आगे? देखिए सुनील जी, हम वी आर अ SaaS फिनटेक कंपनी, हम IT सर्विसेज कंपनी नहीं है, तो ऑर्डर बुक के पैमाने पे हम देखते नहीं है हमारा बिजनेस। हमारी पाइपलाइन रहती है ऑफ पार्टनरशिप्स विद बैंक्स और कॉर्पोरेट कस्टमर्स, तो जो ओवरऑल मोमेंटम है बिजनेस में वो बहुत अच्छा है। वो हमारे Q3 के रिजल्ट्स में भी दिखेगा कि मोमेंटम अच्छा है। हमारा जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और जो अकाउंट्स पेबल का प्लेटफॉर्म है Zoyer, उसने बहुत तेजी पकड़ी है, और उससे हमारे जो होप्स हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी वो काफी बढ़ गए हैं। तो हम ओवरऑल मोमेंटम देख रहे हैं और ओवरऑल देख रहे हैं कि ये जो स्पेंड मैनेजमेंट का क्षेत्र है इसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं हमारे सॉल्यूशंस में, और उनको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा उनके सिस्टम्स बेटर हो जाती है जब हमारा सिस्टम वो यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट अविनाश सर जानेंगे एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑन मार्जिन ट्रैजेक्टरी गोइंग अहेड आप कैसे देख रहे हैं? देखिए साल का हमने जो गाइडेंस दिया है वो 40-50% की ग्रोथ है और 11-13% एडजस्टेड EBITDA का गाइडेंस दिया है। हम उस गाइडेंस पे बरकरार हैं, और हम किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बैंक पार्टनरशिप्स हैं, हमारे जो पार्टनरशिप्स विद कॉर्पोरेट्स हैं, वो हर जगह पे हम मोमेंटम देख रहे हैं। तो हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि उस गाइडेंस को हम अचीव करेंगे, हो सकता है थोड़ा बेटर भी करें बट अचीव तो डेफिनेटली करेंगे जी। आगे सर हम बात करेंगे न्यू ऑर्डर्स के चलते रेवेन्यू रन रेट जो है क्वार्टरली बेस पर, अगर आप कोट कर सके या तो फिर उसको लेकर क्या आपको लग रहा है, इज इट ऑन ट्रैक, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रेवेन्यू के फ्रंट पर? बिल्कुल ट्रैक पे, बिल्कुल ट्रैक पे, हमारी जो गाइडेंस थी उसके ट्रैक पे ही है, रेवेन्यू फोरकास्ट के हिसाब से ही चल रही है। और हमारा हमेशा Q3 Q4 थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो Q4 में हम ऑलरेडी देख रहे हैं अच्छे रीड्स। Q3 भी वाज अ गुड क्वार्टर फॉर अस ओवरऑल, तो अच्छा रहा है हमारे लिए पोस्ट IPO। ओके डेफिनेटली, साथ ही आगे सर बात करेंगे आपके जो एग्रीमेंट था विथ वीजा, तो इसके ऊपर बिजनेस मोमेंटम जो है लास्ट 3 मंथ्स में वो आप कैसा देख रहे हैं? हमने वीजा के साथ साइन करा था वो लॉन्च ऑफ फॉरेक्स कार्ड्स के लिए था, तो वो जो फॉरेक्स कार्ड का प्रोग्राम है वो अभी लॉन्च होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में, वो लॉन्च होगा विद अ पार्टनर, और उसके बाद हम उसको ट्रैक करेंगे। वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर बिजनेस दैट वी जनरेट इन 5 ईयर्स, उसके लिए वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो। और वो एक बड़ा स्पेस है जिसपे हम काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं फॉरेक्स कार्ड और फॉरेक्स के स्पेस में, और हमारे पास काफी वहां से डिमांड भी है हमारे कस्टमर से, क्योंकि हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिकता ही है। कंपनियां अभी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड ले ही रही हैं उसके साथ, तो अगर वही एम्प्लॉय जब अब्रॉड जाते हैं तो उनको एक फॉरेक्स कार्ड की जरूरत होती है, और उसी सिस्टम के साथ हमारा फॉरेक्स कार्ड जो है पूरा टाई अप हो जाएगा, तो उसमें बहुत सुविधा है एम्प्लॉय के लिए भी और कॉर्पोरेट के लिए भी।
जी आगे सर बात करेंगे, आपका जो था 76 करोड़ का को ब्रांडिंग ऑर्डर फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, तो हाउ हैज दैट बीन परफॉर्मिंग? देखिए वो एक यूनिक प्रोग्राम है, वहां पे हमने प्रीपेड कार्ड में कोब्रांडिंग करी है, उसके साथ साथ हमने बंडलिंग करी है सैलरी अकाउंट की कोटक की, तो वो पायलट्स जो है वो आशा करते हैं कि ये क्वार्टर के एंड में शुरू होंगी और फुल फ्लेज में वो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे उसके रिजल्ट्स। उसमें काफी सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं हमारे पास। हमारे पास जो नॉर्मल हमारा जो इनकम है ऑन प्रोग्राम फीस फ्रॉम प्रीपेड कार्ड्स वो है, हमारी सैस फीस है। इसमें यूनिक बात यह है कि जो सैस फीस है वो बैंक अब्सॉर्ब करती है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट, जब तक वो कॉर्पोरेट अपना सैलरी अकाउंट कोटक के साथ रखती है। तो जो फीस है सॉफ्टवेयर का वो बैंक देती है, कॉर्पोरेट नहीं देती है, कॉर्पोरेट के बिहाफ पे बैंक दे रही है। तो वो एक बहुत पावरफुल मॉडल है इंडिया में तो, कि आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है एज अ कॉर्पोरेट, आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉय का सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के साथ निकालना है, खोलना है। और साथ ही जो भी सैलरी अकाउंट्स हम खोलते हैं बैंक के बिहाफ पे, तो हमको उसके लिए एक फाइंडर्स फी भी मिलती है, और बैंक भी इस प्रोग्राम को अपने कस्टमर बेस पे बड़े पैमाने पे ऑफर करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आने वाले साल में आप देखेंगे कि इसका लॉन्च भी होगा और इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी ट्रैक्शन आएगा। ओके सर, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर जानना चाहेंगे कैसा अभी तक ये आप देख रहे परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट साइड से? अभी तक हमने इंटरनेशनल एक्सपैंड करा नहीं है, हम काफी अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उस चीज का कि क्या करा जा सकता है, और उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम अनाउंस करेंगे। हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह से देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, तो एक्सप्लोरेशन जारी है और आने वाले क्वार्टर्स में हम अनाउंस करेंगे कि हम इंटरनेशनली क्या हमारे प्लान है। जी डेफिनेटली, वो टाइम पे भी सर हम जुड़ेंगे और काफ़ी इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। अविनाश सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी जो डिटेल्स आपने शेयर किए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर।